आज का हमारा डेन वाइज फर्स्ट ईयर का क्लास है और फर्स्ट ईयर में से हमारा सेकंड पेपर शुरू है और सेकंड पेपर में से हमारा टॉपिक शुरू है एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, कौन बताएगा? कैसे डिफाइन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को? हेलो, एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे समझाएंगे आप? आवाज आ रहा है सभी को? हाँ, आ रहा है आवाज, मगर नो आइडिया सर। अच्छा, आप में से काफी लोग थे लास्ट लेक्चर में। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट जैसे कि वैसे बताएं। जितना आपको पता हो, जो आपको समझ में आता है वही बता सकते हैं, गलत हो तो भी चलेगा। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? हम पढ़ते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं। तो क्या होता है ये? डिंपल? सॉरी सर, आई वॉज अब्सेंट इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। जैसे आपको पहले बताया मैंने कि हमने ग्लैंड्स पहले डिस्कस किए थे। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स वो है जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। तो हमारे बॉडी में तीन प्रकार के मेन ग्लैंड्स होते हैं। एक है एंडोक्राइन, जिसे हम लोग अंतःस्रावी बोलते हैं, एक है एक्सोक्राइन और एक होता है मिक्स ग्लैंड। अंतःस्रावी क्या करेगा? जो हार्मोन्स वो तैयार कर रहा है या फिर जो सिक्रेशन कर रहा है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में करेगा, रक्त वाहिनियों में करेगा। और सेकेंड एक्सोक्राइन वो क्या करेगा? बनाएगा एक जगह और उसे सिक्रेट करेगा दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो मतलब इसमें डक्ट रहेगा, जो ट्यूब रहेगा उसको डक्ट बोलते हैं हम लोग। तो ये डक्ट ग्लैंड रहेंगे, हर इसमें डक्ट लगा रहेगा। और एक होता है मिक्स ग्लैंड, मतलब ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे ग्रंथियाँ जो दोनों तरह से काम करे, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, उसे कहते हैं हम लोग मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें बताया कि अगर आपको एंडोक्राइन सिस्टम अगर पढ़ना है तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको कि हार्मोन्स क्या है। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक केमिकल मैसेंजर है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी में जो भी चीज़ होती है, कोई केमिकल्स होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई फ्लूड होता है, या फिर बॉडी में जो भी फंक्शंस है उसको वो रेगुलेट करते हैं, उन पे वो एक वॉच रखते हैं। ठीक है, उसको बैलेंस के लिए एक सेंस करते हैं और वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर बोला गया है। तो ये जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट करेगा, वो करेगा ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हुए? ग्लैंड्स दोस प्रोड्यूस एंड सीक्रेट दी हार्मोन्स, और इन सभी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है अलग अलग प्रकार के, उनसे मिलकर बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी जो तंत्र होता है वो बनता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। बता सकते हैं नाम आप लोग ग्लैंड्स के? नाम टोटल 9 है, उसमें से एक या दो तीन कुछ पता होगा आपको, यस बॉडी में सर, ग्रंथियाँ। पिट्यूटरी हाँ, ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके, पेल्विक देन पेल्विक, नो नो सर, आई नो टू ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड ठीक है, कोई बात नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, अब देखिए आपने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका वो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, मतलब जो टोटल ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में उनको सबको कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो अकेला क्या कर रहा है? सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक पीनल ग्लैंड है, फिर एक हाइपोथैलेमस है, फिर यहाँ पर होते हैं थायराइड, इसके मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था लास्ट टाइम, थायराइड पैराथायराइड होता है, फिर यहाँ चेस्ट एरिया में होता है थाइमस, फिर हमारी किडनी के टॉप एरिया में होता है एड्रिनल, फिर
ठीक है, फिर है पैनक्रियाज, फिर हमारे पेल्विक एरिया में रहता है, जैसे कि टेस्टिस, अगर मेल तो टेस्टिस रहेगा, फीमेल से तो ओवरीज रहेगा, ऐसे हमारे अलग टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें से जो डकलेस ग्लैंड है, मतलब जिन्हें ट्यूब नहीं है, डक नहीं है, ऐसे ग्लैंड्स को बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड को मिलकर बनता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अभी। यस सर। ओके, तो मैं जैसे अब स्टार्ट किया था टॉपिक, तो आपको बताया था कि हम लोग इसमें देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उसका वर्किंग कैसे चलता है, और फिर उसके पार्ट्स एंड फंक्शन क्या है। तो उसका इंट्रोडक्शन जो था, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, हमने लास्ट लेक्चर में देखी है, और मैंने वो लिखा कर भी दिया है, ठीक है। अब हम लोग आज के इसमें शुरू करेंगे वर्किंग, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या फिर उसके जो हार्मोन्स है, इनका वर्क कैसे चलता है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी न्यू टॉपिक डालिए आप लोग, वर्किंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। वर्किंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें लिखना है एंडोक्राइन सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इन योर ब्लड, द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इन योर ब्लड। हाइपोथैलेमस नेक्स्ट पॉइंट है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द एंडोक्राइन सिस्टम बाय मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस इन द बॉडी। होमियोस्टेसिस का स्पेलिंग है HOMEOSTASIS, होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस इन द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइपोथैलेमस लिंक्स द हाइपोथैलेमस लिंक्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम बाय द वे ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बाई द वे ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हुआ यहाँ तक? ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अब इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो हमने बताया कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारे ब्लड को कंटिन्यूअसली क्या करती है, सेंस करती है, मतलब चेक करती रहती है, मॉनिटर करती है, क्योंकि हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या हो रहा है, हार्मोन्स जा रहे हैं, और फिर ये हार्मोन्स की मदद से हमारे ग्लैंड्स तक सिग्नल्स जाते हैं, और ग्लैंड की मदद से ये पूरी सिस्टम चलती है। तो हमारी सिस्टम क्या कर रही है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे ब्लड को कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है, ताकि उसे पता चले कि हमारे ब्लड में किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ की लेवल बढ़ गया है। जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सिक्रेट करता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं अलग अलग, T3 T4, तो ये हार्मोन्स वो सिक्रेट करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब ब्लड में जब हार्मोन्स सिक्रेट कर रहा है, तो ये हार्मोन्स पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेट होंगे,
ठीक है, और हमारे बॉडी में जो फंक्शंस है वो उसको मेंटेन करेंगे। तो अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रही है, ये जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं ठीक है उसको वो रेगुलेट कर रही है, उसको वो मॉनिटर कर रही है, मतलब चेक करेंगी हमेशा कि कौन सी चीज़ का लेवल बढ़ गया है, कौन सी चीज़ का लेवल कम हो गया है, उसके हिसाब से फिर वो सिग्नल पहुँचाएंगी हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो इसकी मदद से हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम चलता है। अब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एक जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हमारी बॉडी को हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो कंट्रोल करता है। अब होम्योस्टेसिस क्या है, किसी को पता है होम्योस्टेसिस क्या होता है? हेलो, होम्योस्टेसिस सुना होगा आपने बहुत बार, जैसे साइंस होगा 12th तो उसमें भी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस प्रोसेस क्या होता है ये। नहीं पता है होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, मतलब हमारे बॉडी में जो फंक्शंस है उसको बैलेंस करना। ठीक है, अगर जैसे कि बाहर से अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सेंस करती है। ठीक है, और जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है बाहर की तरफ से तो फिर हमारी बॉडी हमारे ब्लड वेसल्स को सिग्नल देती है और हमारे जो स्वेट ग्लैंड है उसको भी सिग्नल देती है ताकि वो स्वेटिंग को सीक्रेट करे, स्वेट जो होता है उसको सीक्रेट करे। और फिर जब हमें स्वेटिंग होता है, जब पसीना आता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। मतलब क्या कर रही है हमारी बॉडी, बाहर से सेंस कर रही है कि क्या चेंजेस हो रहा है बॉडी में और उसको रिएक्ट कर रही है, उसको रिस्पॉन्स कर रही है ताकि हमारे बॉडी की जो फंक्शन है वो मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम रहे, उसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये जो हमारा ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस प्रोसेस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ताकि जो हमारे बॉडी फंक्शंस है वो मेंटेन रहे और अच्छी तरह से चलते रहे। ठीक है, अब इसी साथ साथ क्या कर रहा है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि वो सभी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, इसलिए वो मास्टर ग्लैंड है। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, अब नर्वस सिस्टम क्या है वो जानना पड़ेगा आपको। नर्वस सिस्टम क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करती है, वो होती है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यहाँ से हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सेंस करेगा कि बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है और फिर ब्रेन की तरफ वो सिग्नल पहुँचाएगा विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर उसके हिसाब से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, बाकी ग्लैंड्स को सिग्नल पहुंचाएगा, उनको कमांड देगा कि इस तरह से वर्क करिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, हमारी नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आया तक? होम्योस्टेसिस समझ में आया? यस। ओके, अब देखिए, अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक बताया मैंने आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अभी जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस को अगर जानना है पूरी तरह से तो आपको नर्वस सिस्टम भी जानना पड़ेगा। तो फिर पहले बताइए कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कौन बताइए, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? सर, नर्वस सिस्टम मीन्स इट कोलैबोरेट्स द सिग्नल, मीन्स हमारी बॉडी जो सिग्नल हमें जो जैसे पेन हुआ हमें तो वो सिग्नल हमें डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को पहुंचाती है और फिर वहां से हार्मोन सीक्रेट होके फिर उस जगह पे वो हार्मोन्स जाके फिर वो वर्क करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो देखिए, अब नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी के जो फंक्शंस है
उसको रेगुलेट करती है। बॉडी में जो ऑर्गन्स है, जो पार्ट्स है, उनके आपस में वो कम्युनिकेट करती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करती है उनको आपस में काम करने के लिए। जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और आगे उस पर रिजल्ट भी देती है। तो यह है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मेन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन है, मेंदू, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो ये दो चीज़ें होती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल में क्या रहेगा, तो पेरिफेरल में क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, उसकी जो नर्व्स निकल रही है, वो नर्व्स का जो बंच होता है, उसकी ब्रांचेस होती है, वो आता है पेरिफेरल सिस्टम में, ठीक है। पेरिफेरल मतलब क्या होता है अभी, कि जो नर्व्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और जाकर हमारे ऑर्गन से, हमारे बॉडी पार्ट से वो अटैच है, ठीक है। मतलब स्पाइनल, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से निकला नर्व और यहाँ पे आके अटैच हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा हेड है, हमारे बॉडी में जो हेड है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये हमारा हेड है, ये जो थंब का टिप है, ये हेड है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ से एक नर्व निकलेंगी और जाके हेड को अटैच रहेंगी। मतलब ये जो नर्व्स है, इसका एक एंड है हेड की तरफ और एक एंड है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, इन दोनों को एक कनेक्ट कर रही है। तो ये जो नर्व्स है, ये जो कनेक्शन का काम कर रही है, वो होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है दो पार्ट्स, नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें से जो नर्वस सिस्टम जो है, इनके मेन तीन फंक्शंस होते हैं, वो भी नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। नर्वस सिस्टम के तीन मेन फंक्शंस, नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेन फंक्शंस, नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेन फंक्शंस विच आर सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट, एंड मोटर आउटपुट। ठीक है, अब ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है, इसकी जो तीन मेन फंक्शन है, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट, इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि सेंसरी इनपुट मतलब क्या है, सेंस, सेंस के माध्यम से, थ्रू सेंस ये हमारे बॉडी में ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, ठीक है। अब सेंस क्या है, मतलब इसकी हमारी पांच इंद्रियां होती है, पांच सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, फाइव, विच आर दी फाइव सेंस ऑर्गन्स, बताइए। प्रदीप बाजरे, प्रदीप, सर घर में बहुत शोर है यहाँ पर। हेलो, अच्छा बहुत शोर है, कोई और बताइए। गीता अंबाड़कर, बहुत नॉइस है। हाँ चलेगा, गीता अंबाड़कर, सेंस ऑर्गन होते ना हमारे, देखिए इसने जिसे नाम लिया है उसी को देना है आंसर, कोई भी आंसर दे सकता है। हाँ बोलिए। हाँ टंग, हाँ ईयर, नोज, हैंड्स, आई डोंट नो फिफ्थ वन सर।
यस देखिए, फाइव सेंस ऑर्गन्स है, मतलब जिससे हम लोग सेंस कर सकते हैं हमारे आजू बाजू टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई भी चेंज है उसको अगर हम लोग भाप लेते हैं, जैसे हिंदी बोलते उसको भाप लेना, उसको हम लोग सेंस करते हैं। तो हमारे बॉडी में पांच सेंस ऑर्गन होते हैं, तो इन ऑर्गन की मदद से हम लोग कोई भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, उसको हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। पांच ऑर्गन कौन से? फिर एक है आइस। अब देखिए, इसमें से जो चार ऑर्गन है ये ही प्रेजेंट है हमारे चेहरे पे। एक है आइस जिसे हम लोग देख सकते हैं, अगर आगे अगर हमारे ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, कोई भी कलर है, तो उसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, हम लोग पहचान सकते हैं कि सामने नहीं, ये जो सामने दरवाज़ा है वो ग्रीन कलर का है, ये जो कर्टन है वो ग्रीन कलर का है, ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं ना अलग अलग, तो उसको हम लोग सेंस कर रहे हैं। तो आई एक ऑर्गन हो गया। सेकेंड है नोज। नोज से क्या करेंगे हम लोग? स्मेल करेंगे, मतलब कोई भी अगर डिश बनती है या फिर एनवायरनमेंट में आज हो कोई अगर गंदा स्मेल हो, गुड स्मेल है, अच्छा या बुरा, हम स्मेल सेंस करते हैं विद हेल्प ऑफ नोज। फिर टंग, जिसकी मदद से हम लोग टेस्ट को सेंस करते हैं, अगर कोई पदार्थ हम लोग खा रहे हैं, कोई डिश अगर हम लोग खा रहे हैं, तो हम पहचान सकते हैं कि वो मीठा है, कड़ू है, तीखा है, सॉल्टी है, कैसे वो हम लोग पहचान सकते हैं। फिर है ईयर्स, साउंड को सेंस करते हैं, अगर किसी की भी अगर आवाज़ आती है, अगर आपके घर में कोई आया बिना देखे आप लोग पहचान जाते हैं कि ये कौन है, मतलब इसका आवाज़ आपने पहले सुना है, वही व्यक्ति अगर डबल आता है तो आप लोग पहचान लेते हैं बिना देखे कि ये व्यक्ति आया है, कैसे? तो हम लोग साउंड को सेंस करते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर, या फिर बर्ड्स, जो पक्षी हमें पता है, जो बर्ड्स हमेशा हम लोग देखते हैं, तो उसकी आवाज़ भी हम लोग पहचानते हैं बिना देखे, हम लोग पहचान सकते हैं कि आवाज़ कौन से एनिमल की है, कौन सी बर्ड्स की है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? सेंस कर रहे हैं साउंड को। और फिफ्थ है हमारा स्किन, ठीक है, स्किन को भी सेंस कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि आग बन के भी हम लोग पहचान सकते हैं कि एनवायरमेंट में गर्म है या फिर ठंडा है, या कोई हमें अगर टच कर रहा है तो कौन टच कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किन, ठीक है। इसीलिए फाइव सेंसेस होते हैं, एक है टेस्ट, फिर स्मेल, फिर साइट, फिर नॉइस, और हमारा टच, ऐसे पांच सेंसेस होते हैं। तो ये पांच सेंस को पूरे जो कंट्रोल करता है तो वो इसमें आता है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा सेंसरी इनपुट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेंगी, ये सभी चीज़ों को सेंस करेंगी और हमारे ब्रेन तक उसका सिग्नल पहुंचाएंगी। फिर बाद में क्या होता है? इंटीग्रेशन, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई है उस पर वर्क होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट है, हॉटनेस है, जैसे अभी समर सीजन अगर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्वस सिस्टम है, इसको सेंस कर रही है विद द हेल्प ऑफ स्किन कि बाहर बहुत हीट है, और वो पहुंचाती है हमारे सेंट्रल नर्वस हमारे नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सेंसरी इनपुट। फिर वहाँ पे प्रोसेस होगा, मतलब हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो ग्लैंड्स है, वो वहाँ पे क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे कि अब यहाँ पे हीट ज़्यादा हो रहा है तो अब क्या करना है, ठीक है। अब जब जैसे ये इंफॉर्मेशन चले गई अंदर, तो हमारा ब्रेन, हमारी सिस्टम इस पर काम करेंगी, और फिर उसका आउटपुट रहेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग मोटर आउटपुट। तो उसका आउटपुट क्या रहेगा कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आएगा बॉडी में से कि स्वेटिंग करे, मतलब हमारे जो स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं उनको कमांड दिए जाएंगी कि आप क्या करो, जो स्वेट मॉलिक्यूल है उसको सीक्रेट करो स्किन पर, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। और इसकी वजह से फिर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा इसका वर्किंग होता है, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन और मोटर आउटपुट। समझ में आया यहाँ तक? कुछ कन्फ्यूजन है? अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछिए, मैं डबल बताऊंगा।
समझ में आया ये नर्वस सिस्टम? हेलो, यस सर। बाकी लोग भी ऐसे आंसर दीजिए, मतलब सभी लोग अटैच कर रखा है क्या सिर्फ? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो लेक्चर रहेगा वो एज ए डिस्कशन रहेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। फिर तो हमें ये लेक्चर कंडक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे, वीडियो आप सुन लीजिए बाद में। समझ में आ रहा है? हाँ ये सब समझ में आ रहा है। नर्वस सिस्टम का जो प्रॉब्लम है सब वो सब समझ में आ रहा है। हाँ, तो फिर रिप्लाई करिए सभी लोग। देखिए, जब आप रिप्लाई नहीं करते हो तो ऐसा लगता है हमें कि एक तो आपको पूरा समझ में आ गया है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछिए, हेजिटेशन नहीं रखना है, कुछ झिझकना नहीं है, मैं आपको डबल से बताऊंगा, कोई संकोच नहीं है। समझना ज़रूरी है, अदरवाइज लेक्चर का कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, ये क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो इसके आगे जो इस पे जो डिपेंड होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, आगे आगे फिर वो हार्ड होते जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा, फिर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बेसिक जो है, जो बेस है उसी को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। नहीं समझ में आता तो डबल पूछिए, मैं डबल बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है। अब उसमें से बताया आपको मैंने कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम क्या होती है, दो टाइप की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। और इसका जो मेन वर्क है नर्वस सिस्टम वो क्या है, वो है सेंसरी इनपुट लेना, इंटीग्रेशन करना मतलब उस पर वर्क करना, और फिर मोटर आउटपुट करना मतलब बाहर उसको रिस्पॉन्स करना। ये होता है काम हमारे नर्वस सिस्टम का। तो अभी इसके पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। वेगल एफरेंट, नेक्स्ट पॉइंट करिए, वेगल एफरेंट, स्पेलिंग वेगल, VAGAL, वेगल एफरेंट, AFF ERENT, एफरेंट, वेगल एफरेंट नर्व, वेगल एफरेंट नर्व प्ले अ वाइटल रोल, प्ले अ वाइटल रोल एज सेंसर, एज सेंसर इन द पेरिफेरल ऑर्गन्स, इन द पेरिफेरल ऑर्गन्स एंड टू सेंड द सिग्नल, एंड टू सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन, टू द ब्रेन इंक्लूडिंग हाइपोथैलेमस, इंक्लूडिंग हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पॉइंट, द पिट्यूटरी ग्लैंड सेंसेस
पिट्यूटरी ग्लैंड सेंसेस द हार्मोन लेवल द हार्मोन लेवल एंड टेल द ग्लैंड एंड टेल द ग्लैंड टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन. टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स. नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस. This process is called as homeostasis. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारी जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सेंस करती है सभी हार्मोन लेवल को और उसके बाद फिर सिग्नल पहुंचाती है और हमारे ग्लैंड्स को बताती है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना रिलीज करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है हार्मोन सिक्रेशन का.